डियर स्टूडेंट, हमारे सामने मैथमेटिक्स क्लास टेंथ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं इनके जीरोज ज्ञात करने हैं, साथ ही इनके जो कोफिशेंट हैं और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप भी ज्ञात करनी है। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल्स का जीरोज वो नंबर कहलाता है, एक्स की वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या कर देती है, जीरो कर देती है। यानी उसको पुट करने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है, यानी एक्स की वो वैल्यू जो इनको इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्या करेगी, जीरो करेगी, उसका जीरोज कहलाएंगे। साथ ही इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप ज्ञात हम करेंगे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। देखिए, स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इसको ले लेते हैं। इसका क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म तोड़ने के बाद, क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, मिडिल टर्म को तोड़ करके इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे, यानी ऐसा नंबर जिनको घटाने या जोड़ने पर माइनस टू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ए माइनस एट आ जाए। तो ऐसे नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर एक्स में टू एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो माइनस टू एक्स आएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट एट एक्स स्क्वायर, यानी दोनों का प्रोडक्ट करने पर एट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसमें दो टर्मों में से बांटेंगे। तो एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस फोर प्लस इन दोनों में से टू कॉमन ले लो, एक्स माइनस फोर यानी टू फोर जा एट। ओके, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब देखिए, इसमें एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस फोर कॉमन है, एक्स माइनस फोर कॉमन लेने के बाद अंदर बच जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स बचेगा यहाँ प्लस टू, उसको अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जीरोज निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज जीरो इफ, ये पहला जो टर्म है एक्स प्लस टू को हम क्या कर दें, जीरो करें, या एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई जीरो होगा तभी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, तो इसमें से एक्स माइनस एक्स प्लस टू को हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम ट्रांसपोज होने के बाद माइनस टू आ जाएगा, और यहाँ से अगर ये जीरो के इक्वल रखा तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, एक्स यहाँ आएगा उधर जाने के बाद प्लस फोर बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस फोर। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से एक्स की वैल्यू निकल गई माइनस टू और फोर, माइनस टू और फोर इसकी वैल्यू निकल गई। देखियो कैसे निकला, इसको हम एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रखा तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद टू उधर जाने के बाद माइनस टू आ जाएगा, और ये फोर उधर जाने के बाद यानी इक्वल के दूसरी ओर जाने के बाद, उधर का मतलब इक्वल के दूसरी ओर जाने के बाद प्लस फोर आ जाएगा। ठीक, ये जीरोज हैं इसके। देयरफोर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, देयरफोर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इसके क्या क्या हो जाएंगे, आर माइनस टू एंड फोर, माइनस टू और फोर इसके जीरोज हो जाएंगे। अब एक रिलेशनशिप है, इसमें सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज, जीरोज के सम माइनस टू प्लस फोर ऐड करने के बाद आ गया माइनस टू और प्लस फोर को टू आ जाएगा। देखिए, एक रिलेशन है
यहाँ पर हम देखेंगे एक्स का जो कोफिशियंट है माइनस टू है, एक्स स्क्वायर का क्या है वन है, तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है इस टू को, माइनस माइनस टू ओवर वन, माइनस इंटू माइनस प्लस टू, टू ओवर वन यानी टू। तो एक रिलेशन आ रहा है, ये है माइनस, ये माइनस टू क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर वन को क्या लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं इनका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट माइनस टू इंटू फोर, या गया माइनस एट। आप देखेंगे ऊपर टर्म में, यहाँ पर माइनस एट, देखिए इसके साथ क्या रिलेशन बन सकता है। माइनस, अगर हम माइनस एट की बात करें तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। साथ ही नीचे वन, इसको हम ओवर वन भी लिख सकते हैं, तो एट ओवर वन आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे वन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल के यदि हम जीरोज निकालें तो क्या होते हैं, उनका यदि सम निकालें कोफिशेंट, उनका जीरोज का सम, तो माइनस द कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जीरोज का सम जो हमारा मानक रूप है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी ओवर ए, यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे इनका प्रोडक्ट होता है जो जीरो जाते हैं, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत ईजिली इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।